रात को मुर्गी की टांग खाकर दो अदृश्य जीव फंस गए और हमने ऐसा किया कि अदृश्य जीव के साथ कि उसके शरीर के पूरे चीतरे उड़ा दिए। रात को कैचर जैसे ही बर्ड हाउस में आया तो कोई जीव फंस गया था जाल में। हमने उस जीव को जाल सहित बॉक्स में बंद करके रात को ही बर्ड हाउस से काफी दूर चले गए और ये जगह सही रहेगी अदृश्य जीव को छोड़ने के लिए। लेकिन तभी अंधेरे में कैचर का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। वो तो शुक्र है कि हमने सही सलामत अदृश्य जीव को पकड़ लिया। तभी हम उस जीव को डब्बे में से खोलकर देखना चाहते थे, लेकिन एक्सपर्ट कैचर ने कहा कि खोलने के चक्कर में वो फिर से ना भाग जाए, इसलिए उसने बॉक्स में ब्लास्ट करने का सोचा ताकि वो जीव कमजोर पड़ जाए और उसको हम सब देख सके। कैचर ने जैसे ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करते ही बॉक्स और केस को चूर चूर हो गए। ऐसा लगे उन दोनों अदृश्य जीव का भी चीतरे उड़ गए होंगे। हम जैसे अदृश्य जीव के चीतरे को ढूंढने लगे तभी एक जीव तेजी से निकलकर भूतिया खंडर के ऊपर चला गया और जब तक कैचर ने जाकर ऊपर देखा वो तो गायब हो गया। अगर एक अदृश्य जीव बच गया है तो कहीं वो हम पर हमला ना कर दे, क्योंकि लगता है कि उसके पार्टनर का तो चीतरे उड़ गए होंगे। कहीं इसने अपनी आंखों में हमारी शक्ल कैद कर ली होगी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। कैचर तो बच जाएगा क्योंकि इसने मास्क लगाया था, बड़ा उससे सेफ हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए खतरा हो गया।